बिसमिल्र अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वक् मैं अपने तमाम मोज़ अपने हम सफ़र साथियों को अपने पीर भाइयों अपने मुरीदों अपने शागिर्दों और अपने मंदों और उन तमाम लोगों को कि जिनका ताल्लुक़ किसी भी सलासिल से है और वो हमारे ख़ानवादी के साथ सीखने की नीयत से जुड़े हुए हैं और वो लोग जो कदम ब कदम पहले दिन से मेरे साथ चल रहे हैं मैं उन तमाम लोगों को अपने खानवादे में अपने सलासिल में अपने यूट्यूब चैनल पर अपनी वेबसाइट डॉक्टर अब्दुलवाजिद शादी डॉट कॉम पर प्रोग्राम निजातुल मसाइल में एक बार फिर खुशामदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये कारमां अपनी छत्तीसवीं एपिसोड के साथ अपनी मंजिल की तरफ बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और यकीनन सफीना मसाइल में आपके मसाइल और उनके हल के लिए हम यहाँ मौजूद हैं आप हमें लाइव कॉल कर सकते हैं आप हमसे अपने मसाइल शेयर कर सकते हैं अमराज चाहे रूहानी हो अमराज चाहे जिस्मानी हो हम उसका तरीकेकार इलाज बताते हैं उसका हल बताते हैं और फिर आप लोगों की दुआएं हमेशा हमारे साथ रहती हैं तो यकीनन सफ़ीना मसाइल स्टार्ट करने से पहले हमारा कोई ना कोई एक ख़ास मौजू होता है जो आपकी रहनुमाई के लिए होता है आज हम बात करेंगे ये अरोमा थेरेपी क्या है क्या आप लोगों ने कभी अरोमा थेरेपी के बारे में सुना है क्या आप लोगों ने अरोमा थेरेपी के बारे में पढ़ा है और ये सबसे पहले इसकी इब्तिदा कहाँ से हुई यकीनन अगर थेरेपी की मैं बात करता हूँ तो एरोमा थेरेपी खुशबुओं से इलाज करने के तरीक़े को कहते हैं यानी कि हमारी सेहत पर खुशबुओं के अपने असरात होते हैं अब खुशबुओं से हम उन मोज़ी अमराज का इलाज किस तरह कर सकते हैं क्या खुशबुओं से इलाज मुमकिन है क्या खुशबुओं के ज़रिए हम ख़ुद अपना इलाज कर सकते हैं क्या खुशबुओं के ज़रिए हम अपना रूहानी और जिस्मानी इलाज कर सकते हैं अगर कर सकते हैं तो कैसे आज हम स्टूडियो इस में इसी टॉपिक को लेकर चलेंगे कि हम खुशबुओं के ज़रिए रूहानी और जिस्मानी किस तरह इलाज कर सकते हैं और हम सिर्फ ये नहीं बताएंगे कि खुशबुओं से किस तरह इलाज होता है इसका रीज़न क्या है किस तरह होता है आपने देखा होगा कि खुशबुएँ हमें अट्रैक्ट करती हैं खुशबुएँ बास खुशबुँ हमें बहुत पसंद आती हैं और बास खुशबुँ हमें अच्छी नहीं लगती यानी कि बास खुशबू जो हमें पसंद आती है वो हमारी तबीयत के मुताबिक होती है उसके मुाफिक होती है और जो ख़ुशबुँ हमें पसंद नहीं आती वो हमारी तबीयत के ख़िलाफ़ होती हैं जो जिसको हमारा दिमाग एक्सेप्ट नहीं करता अच्छा खुशबुओं का ताल्लुक रूहानियत की दुनिया से भी बहुत गहरा ताल्लुक है खुशबुओं का ताल्लुक इंसान की अच्छी सेहत से भी बहुत गहरा ताल्लुक़ है खुशबुओं का ताल्लुक हमारी बीमारियों से भी बहुत गहरा ताल्लुक़ है आज अरोपी के जिसके बारे में हकीम इबन सीना ने इसके बहुत से तरीक़ेकार बताए यहाँ तक कि खुशबू हम सिर्फ सूंघते नहीं हैं उसका इस्तेमाल भी करते हैं हम खुशबू सिर्फ जलाकर उसकी स्मेल हम इनहेल नहीं करते बल्कि हम खुशबुओं का इस्तेमाल भी करते हैं एक्सटर्नल भी और इंटरनल भी अब कौन सी बीमारी का ताल्लुक कौन सी खुशबुओं से है मैं आपको यह समझाता हूँ सबसे पहले मैं आपको एरोमाथेरेपी के बारे में बताता हूँ ठीक है कि एरोमाथेरेपी है क्या आप थोड़ा सा समझें इस बात को कि किसी भी तर्ज का कोई भी खुशबू याद रखना कि इंसानी शख्सियत मिजाज नफ्सात के साथ इसकी सेहत पर बहुत असरअंदाज होते हैं यानी कि खुशबू और सेहत के दरमियान बाहि में रिश्ते के नुकोश हम अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी देखते हैं अब जैसे लाइक किसी को खसरा अगर निकलती है तो आपने देखा होगा कि खसरा अगर निकली है तो हम नीम के पत्ते रख देते हैं अब जब हम नीम के पत्तों रखते हैं और इन नीम के पत्तों की महक से वो जरासीम नहीं फैलते यानी कि आगे किसी को लगते नहीं हैं तो इसका मतलब है कि खुशबुओं का असरअंदाज इंसानी अमराज से भी होता है अब जैसे कि सेहत पर खुशबुओं के असरात को देखते हुए इसी तरीके इलाज की बुनियाद रखी गई जिसे आज एरोमाथेरेपी कहते हैं अच्छा इस तरीके इलाज में खुशबुआत और उनके अरकियात से भी हम बायदे तौर पर अपने जिस्म पर लेब भी करते हैं मालिश भी करते हैं और स्टीम के ज़रिए भी इससे इलाज किया जाता है यानी कि जब हम स्टीम लेते हैं उसके अंदर खुशबुओं के जैसे गुलाब के पत्ते डाल दिए नीम के पत्ते डाल दिए कुछ चीज़ें डाल दी जिससे खुशबू होती है और जब वो हो हीट होता है गर्म होता है तो उसकी जो स्टीम लेते हैं ना उससे भी हमें बहुत फ़ायदा होता है अच्छा हकीम इबन ने भी खुशबूआ से तरीक़ेकार बहुत बताएं। अगर मैं आरोम थेरेपी की अगर मैं बात करता हूँ तो इन में खुशबुओं को सिर्फ़ सूंघा ही नहीं जाता बल्कि इन खुशबुओं से बाकायदा तौर पर तेल निकाल कर इसके मुख्त तरीक़ों पर हम अपने जिसम पर अप्लाई करते हैं जिसम पे इस्तेमाल करते हैं अच्छा एक बात याद रखना कि बेहतरीन खुशबू नाक में दाखिल होने से हमारे पट्ठों हड्डियों पर अपना असर दिखाती हैं बाद जैसे हैं हम फूलों की अगर हम बात करते हैं और बाद हम फ्रूट की खुशबुओं की बात करते हैं बाद हम जड़ी बूटियों की खुशबुओं की अगर हम बात करते हैं तो जब हम इसको सूंघते हैं तो बाकायदा तौर पर नाक के जरिए हमारे पट्टे और हमारे हड्डियों पर असर अंदाज होते हैं अच्छा और बाद खुशबुएँ दिमाग के जरिए हमारे असाबी निज़ाम को भी बेहतर बनाती हैं अच्छा खुशबू के जो मालिक्यूलर्स होते हैं ना वो दिमागी खलियों पर एहसास और जज्बात पर भी असरअंदाज होते हैं तो अब यहाँ तक अगर देखा जाए कि खुशबूएं अब मिसाल के तौर पे हम अगर हम गुलाब की खुशबू की अगर हम बात करते हैं गुलाब के पत्तियों की खुशबू की अगर हम बात करते हैं तो अब गुलाब की खुशबू अब गुलाब की अगर हम तासीर को सबसे पहले देखते हैं तो ये ठंडिक है यानी कि इसकी तासीर जो है ना ऐसी है कि इसको जब खुशबू का हम गुलाब को सूंघते हैं तो सबसे पहले सबसे पहले ये हमारे नर्वस सिस्टम पे जाके अटैक करती है यानी कि हमारे नर्वस सिस्टम को उसके फाल को दुरुस्त करती है बेहतर करती है हमारे जिसम में एक हल्की सी ठंडक सी और एक शुरू सी कैफियत होती है गुलाब के फूल को और वो जो सुरुख गुलाब हो जिसको हम का शादी ब्याहों में इस्तेमाल करते हैं सहरे में लगाते हैं और लाइक हम उसको मौत मैत में भी गुलाब की पत्तियों का इस्तेमाल करते हैं खुशबुओं के लिए क्योंकि वो अच्छी लगती है इंसान की रूह को उसके जिस्म को उसके दवा सिस्टम को इसीलिए हम गुलाब के फूलों फुल, का पत्तियों का इस्तेमाल करते हैं अब मिसाल के तौर पर अब हम इन खुशबुओं के जरिए हम बीमारियों का इलाज किस तरह करेंगे हम इन फूलों की खुशबुओं से अब जैसे मिसाल के तौर पे किसी शख्स को बुखार चढ़ता है अच्छा और बुखार अपनी शिद्दत अख्तियार कर जाता है तो मरीज़ के कमरे के अंदर अगर गुलाब के फूल का एक बंच रखा जाए गुलाब के फूल का एक बुके रखा जाए तो उसकी खुशबू से हमारे जिसम का जो दर्ज हरारत है वो मधम पड़ने लगता है वो कम होने लगता है कि जिससे हमारे बुखार को फ़ायदा होने लगता है हमारे जिसम में होने वाली कमजोरियों को गुलाब की खुशबू बहुत असरअंदाज करती है यानी कि जब हम गुलाब की खुशबू को सूंघते हैं या जब हम गुलाब ऐसी जगह बहुत सारे कमरे के अंदर तो गुलाब फैले हुए हो हों और जब हम गुलाब के अंदर उस कमरे में दाखिल होते हैं तो जब हम जब सांस लेते हैं नाक के ज़रिए तो वही खुशबू सबसे ज़्यादा असरअंदाज होती है हमारे दिमाग पर उसके बाद होती है हमारे पट्टों और हड्डियों पर कि जिससे हमारे अंदर एक तो एक कुवत सी आती है एक अच्छा सा फील होता है यानी कि अगर किसी को ग़ुस्सा आ रहा हो गुस्से की कैफियत हो और अगर वो गुलाब की खुशबू को सूंघ ले तो उसका ग़ुस्सा जो होता है ना वो बिल्कुल अपने लेवल पर आने शुरू हो जाता है यानी कि अब मैं अगर ये कहूँ कि खुशबुएँ आपके जिसम के बनने वाली केमिकल्स जो होते हैं ना उस पर भी असरअंदाज होते हैं यानी कि अब जिसम में जिस केमिकल की ज़रूरत है जैसे सेरोटोनिन है जैसे डोपामाइन है तो हम ऐसी खुशबुओं के ज़रिए उन केमिकल की अफजाइश को भी बढ़ा सकते हैं बिना मेडिसन खाए बिना मेडिसन खाए और बिना इंजेक्ट किए हुए कुछ या लाइक कुछ भी चीज़ किए हुए हम सिर्फ खुशबुओं के ज़रिए अच्छा अब मैं बात करता हूँ रूहानी इलाज की ये तो एक जिस्मानी इलाज का मैंने एक गुलाब के फूल का बताया मैं मजीद और आगे में मैं इंशाल्लाह आपको इसमें बताऊंगा आपको कि अब हम बात करते हैं चम्बेली के फूल की अच्छा आपने देखा होगा चमेली की खुशबू ज़्यादातर आपके भी घरों में बात होगी कि आपकी नानी दादी आपकी वालदा को इसकी खुशबू बहुत पसंद होती है जैसे मोती जैसे मोती की खुशबू हो गई जैसे चमेली यानी जैस्मिन की खुशबू हो गई यानी कि उसके जो फूल होते हैं छोटे छोटे से, से वाइट वाइट से वाइट वाइट से आपने देखा होगा आपकी नानी दादी के पानदान में वो रखे होते थे या उसमें गीला कपड़ा करके उसको हल्का तेल करके वो उसको लपेट कर अपने पास रखा करती थी उसको बाकायदा तौर पे वो बार बार उसको देखा करती थी उसको सूंघा करती थी क्यों उसका रीज़न क्या था असल में मोतिया के बारे में और चमेली के बारे में कहते हैं कि जब इन फूलों को अपने पास रखा जाता है और जब इस पर थोड़ा पानी डाला जाता है तो चमेली और मोती के फूल के ऊपर ये बात है कि इससे शयातीन जन्नात इंसान के करीब नहीं आते यानी कि अगर कोई शख्स आसेफ ज़्यादा हो उसके पास इन फूलों को रख दिया जाए तो उसको सुकून मिलता है क्यों क्योंकि मोतिया और चमेली पर जो नेक जिन्नात होते हैं उनका बसेरा होता है वो इसकी खुशबू से अट्रैक्ट होते हैं और बाकायदा इसकी खुशबू की तरफ मायल होते हैं जिस जगह पे जिस घर में आपने देखा होगा रात को हमारे बड़े बूढ़े मना करते थे कि भाई इस गली में चमेली का दरख इस घर में लगा हुआ है तो कोशिश करना कि वहाँ से ना गुजरो आपने सुना होगा क्यों क्योंकि इस खुशबू पे जो आशिक होते हैं ना वो नेक जिन्नात होते हैं वो किसी को तंग परेशान नहीं करते बल्कि वो मुहाफ़ होते हैं उस खुशबू की जिसको वो अमानत खुशबू उस फूल को अल्लाह तबारा ने नमत के तौर पर अदा की है वो खुशबू जो जिन्नाद से मायल होते हैं मुतासर होते हैं अब मिसाल के तौर पर रात को मना करते थे बड़े बूढ़े आपके हमारे भी बुज़ुर्ग आने थे हमारे भी बड़े बूढ़े जो हमारी नानी नाना दादी दादा थे वो बाकायदा तौर पर मना करते हैं कि रात के वक्त तुमने कोई चमेली नहीं तोड़ना तुमने मोतियाँ नहीं तोड़ना तुमने गुलाब नहीं तोड़ना तुमने ये फूल नहीं तोड़ना तुमने गेंदे के फूल नहीं तोड़ना क्यों मना करते थे वो इसी लिए मना करते थे कि हमारे इंसानों के साथ साथ वो मखलूक़ात जो हमारी नज़रों से ओझल हैं वो बायदा तौर पर खुशबुएँ जहाँ पर होती हैं वहाँ पर नेक जन्ात और नेक चीज़ें वहाँ पर मौजूद होती हैं यहाँ तक फरमाते हैं यहाँ तक कहते हैं कि वो बुज़ुर्गों की नक अरवाहें वो भी बाकायदा तौर पर वहाँ से गुज़रगह बनती हैं कि जिस जगह पर फूल और जिस जगह पर खुशबुओं का बसेरा होता है क्यों क्योंकि खुशबुएँ आपके रूह की बुनियादें तक हिला देती हैं अब जब हम इनका इस्तेमाल करते हैं अब मिसाल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ कि अगर जैसे किसी के ऊपर जिन्नात का कोई आसेब हो आप मोती के फूल इसको भिगो कर पानी में साफ़ सुथरे पानी में आप सूर्य फातिहा पढ़ के या सूर्य कुरैश पढ़ के आप उसको छान कर उसको पानी पिला दें देखें उसकी तबीयत सेट हो जाएगी अगर जो नाफरमान बच्चे अगर कोई बहुत ज़्यादा शरीर बच्चे हों बहुत ज़्यादा बच्चे ज़िद्दी हो जाते हैं बच्चे बहुत ज़्यादा ज़िद्दी होने के साथ साथ बच्चे रोने लगते हैं बहुत ज़्यादा रोने लगते हैं नज़र बद की वजह से शैतानी असरात की वजह से या हासिदीन की हसद की नज़र की वजह से या कोई किसी तकरीब में अगर कोई आए हमने बच्चों को लेके बच्चों को देखा उस नज़र लग गई अब वो रोना शुरू कर दिया जब घर तक आए तो रोने लगा तो उसका भी बेहतरीन तरीका यही है कि जब पानी आप बॉईल करें उसमें थोड़े से गुलाब की पत्तियाँ डाल दें थोड़े से मोतियाँ डाल दें उसको पकाएं उसको छानें उस पानी से बच्चे को निला दें उस बच्चे के अंग से नज़र ऐसे निकलेगी कि जिससे उसके जिसम के ऊपर से पानी गिर रहा होता है ऐसे बह जाती है यानी कि उसकी नेगेटिविटी को ख़त्म करने के लिए इस तरह भी हम खुशबुओं का इस्तेमाल कर सकते हैं अच्छा बाद लोग आपने देखा होगा कि बाद लोग बालों के अंदर कुछ चमेली का तेल का इस्तेमाल करता है कोई मोती के तेल का इस्तेमाल करता है कोई खुशबुओं का इस्तेमाल करता है जैसे कोई आमला की खुशबू का इस्तेमाल करता है जैसे कोई बहड़ा की खुशबू का इस्तेमाल करता है इन किस्म की मख्तलि खुशबुओं से बाकायदा तौर पर जो नेक जिन्नात होते हैं जो वो मखलूक़ा जो हमारी नज़रों से उजल होती है जिस जगह पर वो खुशबू लगाई जाती है अब जैसे मिसाल के तौर तो पर मैंने अपने बालों में लगाई, और बाल मैंने बांध लिए मैंने ताज पहन लिया मैंने टोपी पहन लिया मैंने इमामा बांध लिया या मैंने कुछ भी पहन लिया अच्छा ये मेरी हिफाज़त भी हो गई ये मेरा हिसार भी हो गया मेरी हिफाजत भी हो गई अब मैं इस हालत में किसी गंदगी की जगह से गुजरता हूँ जो मेरी राह में होती है या मैं किसी ऐसी जगह से गुजरता हूँ जिस जगह पे ऑलरेडी जादू से मुतासर जगह होती है या जिस जगह आसेब होते हैं या जिस जगह बसेरा होता है अगर मैं उस जगह से तो गुजर जाता हूँ तो मैं हिसार में हूँ अच्छा मैंने अभी कुछ पढ़ा नहीं है मैंने कोई कलाम इलाही नहीं पढ़ा लेकिन मैंने इस अमल के जरिए जो प्रैक्टिकली है उसके ज़रिए मैं महफूज हो गया ये एक तरीके से पूरा हिसार भी बन जाता है इंसान का अच्छा हजूर करीम सल्ला वसलम को खुशबूएं बहुत पसंद थीं आप बाकायदा तेल का इस्तेमाल किया करते थे अपने बालों में आप बाकायदा अतर का इस्तेमाल किया करते थे आप बाकायदा खुशबुओं को पसंद किया करते थे आप बाकायदा खुशबुएँ लगाने का हुक्म दिया करते थे और अगर हम मिसवाक की अगर हम बात करते हैं तो बाद मिसवाक में भी खुशबू होती हैं जैसे नीम की मिसवाक ले लें जैसे मुख्तलिफ़ दरख्तों की छाल से जो मिसवाक बनाई जाती है उनकी भी एक अलग खुशबू एक अपनी तासीर होती है अब सब के असर सब की तसीर अलग अलग होगी यानी कि किसी की खुशबू इंसान के मैदे को दुरुस्त करती है किसी के इंसान के दिमाग को दुरुस्त करती है अब मसवाक जब हम चबाते हैं तो यकीन जब हम चबाते हैं जब हम अपने दाँतों में मसवाक करते हैं तो उसकी खुशबू और उस लकड़ी की तासीर हमारे अंदर की जो बीमारियाँ हैं वो दूर करती हैं कि जैसे हदीस में हमें मिलता है जिसे हमें हदीस के अंदर हमें मिलता है यानी कि खुशबू का एक अलग एक ये अरोमा थेरेपी ये बहुत बड़ा ये समंदर के मानंद है मैं इसको एक दिन में एक कतरा भी बयान नहीं कर सकता यह अरोमा थेरेपी ऐसा है लेकिन ये जो आगे बढ़ेगा ना ये अगर मैं इस पर एक सीरीज शुरू करूँ एक इसको तरतीबा ले चलूँ तो आपको बहुत मजा आएगा इसमें अब हम बात करते हैं जड़ी बूटियों की खुशबू से अच्छा जड़ी बूटियों की क्या तासीर है क्या जड़ी बूटियाँ जो होती हैं उसकी जो खुशबू होती है, वो हमारी पढ़ाई हमारा रूहानी सफ़र में हमें कामयाब करने में कितना परसेंट हाथ रखती हैं यानी कितना परसेंट हमको कामयाब करने की तासीर और सलाहियत रखती हैं जैसे खुशबुओं का इस्तेमाल किया जाए जैसे आपने देखा होगा अक्सर बुजुर्ग दिन फरमाते हैं कि जब तुम सूर्य कुरैश का अमल करो तो तुम पहले गसल कर लो बावजु हो जाओ पाक साफ कपड़े अपने जिसम पे तन करो उसके बाद तुम खुशबुओं का इस्तेमाल करो अच्छा खुशबू ज़रूरी नहीं कोई एक ही खुशबू को इसी में खुशबू लगा सकते हैं उसके बाद अपनी पढ़ाई करें और जब पढ़ाई कर रहे हो तो जब अगर आपने किसी की हाजिरी मुमकिन हो तो फिर मख मख्त किस्म के अजबूर बना के रख लो यानी कि बखुरात बना के रख लो उसके अब बखूरा किसे कहते हैं बखूर किसे कहते हैं अच्छा एक बात याद रखना बखूर दो तरह का होता है एक बखूर वो कि जिसका ताल्लुक़ दरख्तों से होता है दरख्तों की छाल से होता है फूलों की छाल से होता है कि जैसे संदल की लकड़ी आई बात समझ में अब जैसे जाफरान आई बात समझ में अब जैसे किसी पौधे के पत्तों के बीज यानी जैसे हर्मल अच्छा एक बखूर के जिनका ताल्लुक़ इस चीज़ों से होता है कि जैसे ये समझ लें कि दरख्त दरख़ की गोंद आई बात समझ में अब दरख के पत्ते दरख़ के बीज दरख की छाल इन सब को मिला के अलग अलग प्रोसेस से इनको सबको एक जगह समेटा जाए तो उनको मुख्तल बखूरात में समाल किया जाता है एक तरीक़ेकार तो ये हो गया अब दूसरा तरीक़ेकार वो होता है कि जो बाकायदा तौर तो पर खुद बनाया जाता है एक होता है नेचुरली यानी कि जो दरख्तों पर वो अभी जैसे मेथड मैंने पूरा नबाता नबातियात से मैंने पूरा तरतीबाई है आपको अच्छा एक बखूर होता है जो अब जैसे मुश्क होता है अब जैसे अंबर होती है बस समय। अब इसके अंदर हम बकायदा तौर पर इन बखुरात में बाकायदा तौर पर कुछ सुम्यात का भी इस्तेमाल करते हैं अब इसके अंदर हम इनके साथ साथ और कीमती पत्थरों का भी इस्तेमाल करते हैं जैसे अकीक हो गया जैसे अंबर हो गया जैसे जैसे अकीक हो गया जैसे फिरोज़ा हो गया जिसे मुख्तलिफ किस्म के पत्थर हो गए जैसे संग सरमा ही हो गया जैसे मुख्तलिफ किस्म के पत्थर यानी कि अब ये तो दो किस्म के बखूर हैं ना, अच्छा एक किस्म का जो बखूर होता है वो है एंटीबायोटिक जो हर चीज़ में इस्तेमाल होता है लेकिन वो बखूर जिसमें हम इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं वो हमारे जिसम के अंदर हमारे घरों के अंदर से शेयन को फाड़ के निकाल देते हैं कि जिन बखूरात के अंदर हम कीमती उन मोती जवाहरात का इस्तेमाल करते हैं जो बहुत कीमती और नायाब और बहुत एक्सपेंसिव होते हैं अब जैसे मुश्क मु मुश्क डाली जाती है अब किसी तरह का हिस्सा तो नहीं है लेकिन सवाल होती है अब जैसे अब हम हम ले, ले लेते हैं जाल मक्छर को अच्छा जाल मक्छर जो होती है ये बायदे तौर पे एक दरख़ की गोंद भी है और फिर इसको मुख्तलिफ़ गोंदों के साथ मिला कर इसका एस्ट्रक निकाल कर इसको खुश कर कर फिर बनाया जाता है अब जैसे अगर मैं सूर्य क्रैश की बात करता हूँ सूर्य क्रैश के लश्कर की अगर मैं बात करता हूँ सूर्य क्रैश के मैंने बखूर का बताया अब इसके अगर मैं उस दूसरे पार्ट्स का बयान करूँ कि जो ऐसा है कि अगर कोई शख्स ये कहे कि मुझे कुछ भी नहीं होता वो सिर्फ़ एक तस्वीर सूर्य क्रैश पढ़े और उस बखूर का इस्तेमाल करें उसको जो कुछ भी नहीं होता ना उसको बहुत कुछ होने लगता है इसका मतलब ये हुआ कि हम पढ़ाई के साथ साथ उन चीज़ों का भी इस्तेमाल करें कि जिन मखलूक के लिए हम पढ़ रहे हैं जिनकी हाज़िरी के लिए कर रहे हैं जो अपने काम के लिए कर रहे हैं उन चीज़ों को वो मुतासर कर दे उसकी खुशबू उसको हिला कर रख दे अब जैसे एक गुल बज है जिसको हम विच तरकी कहते हैं आप सर्च करेंगे आपको जो जिनका ताल्लुक़ तिब की दुनिया से हमत की दुनिया से वो जानते हैं कि विच तरकी क्या है इसमें एक मीठी मीठी सी खुशबू होती है आप खाली विच तरकी को आप पीस कर आप खाली पीस कर उसको रख लें और कोयलों पर डाल के उसको डाल दें आप उसको घर में जला दें आप अपने घर में खुशबू देखिएगा अच्छा एक तो ये खुशबू के आपको पसंद आए अच्छा एक इस खुशबू की तासीर भी मैं आपको बताऊं अच्छा तमाम हमारे जिसम के अंदर जो बैक्टीरियाज हैं तमाम हमारे जिसम के अंदर जो जरासीम हैं तमाम हमारे जिसम की सेहत हमारे जिसम की बीमारी यानी कि एक मुतासर हुआ हुआ शरीर और एक बिल्कुल तंदुरुस्त शरीर और फिर वो विच तरकी जब उसका इस्तेमाल जो शरीर मुतासर है बीमारियों से आप सिर्फ और सिर्फ बीमार के कमरे के अंदर विच तरीके खुशबू जलाना शुरू कर दें यानी कि आप वो वो मेरे ख़्याल से महंगी है लेकिन इतनी महंगी नहीं है हर बंदा अगर उसको जानता हो तो आसानी के साथ ले सकता है उसको कूट कर पीस कर रख ले अब कोई शख्स शुगर का मरीज़ हो कोई शख्स ब्लड प्रेशर का मरीज़ हो कोई शख्स कैंसर के अमराज का मरीज हो या कोई शख्स जिगर के कैंसर का मरीज हो जो शख्स मैदे के कैंसर का मरीज हो जो शख्स किसी भी किस्म के कैंसर का मरीज़ हो उस कैंसर वाले कमरे में जो वो पेशेंट दवाएं इस्तेमाल कर रहा है वो करता रहे वो ना छोड़े लेकिन उस कमरे के साथ साथ बाकायदा गुलाब के फूलों की, की थोड़ा सा उसके कमरे को अच्छी तरीके से मैनेज कर दे कमरा साफ सुथरा कर दें कुछ गुलाब के फूल चमेली के फूल मुख्तलि किस्म के फूल ला के उसके कमरे में रख दें और फिर गुड़ब्छ जो है ना उसी को दे दो उस कमरे में जिस कमरे में मरीज हो उसको एक दो दफ़ा फंदे लगेंगे उसको उल्टी होगी उसके बाद उसकी तबीयत बेहतर होने शुरू हो जाएगी ये कमाल है विच तरकी जो बकायदा तौर पर मुख्तलिफ जिस्म के अंदर की ये ये खुशबू जो ना ये समझ लें कि ऐसी जैसे मकनातीस लोहे को खींचता है अब लोहे के ज़रात आप बिखेर दें एक मखना तीस लें और उसको ऐसे ऊपर की तरफ लेके आए सारे लोहे के ज़रात उस पर चिपकने शुरू हो जाएंगे इसी तरीके से शरीर के अंदर जो बीमारियाँ होती हैं ना जब ये खुशबू उस कमरे में जाती है ना जब मरीज़ उस खुशबू को इनहेल करता है तो वो बाकायदा तौर तो पर जरासीम को खींच देता है छीक के जरिए और मुख्तलफ़ रस्तों के जरिए उसको ख़त्म कर देता है और यहाँ तक यहाँ तक हकीम इबन सीना लिखता है विच तरक्की के बारे में इसकी खुशबू के बारे में हकीम इबन सीना बाकायदा लिखते हैं कि किसी भी मर्स का कोई भी जरासीम कोई भी बैक्टीरिया कोई भी वायरस इंसान के शरीर में मौजूद हो और जिस जगह से खुशबू ली जाए तो वो वायरस इंसान के जिसम में ज़िंदा नहीं रहता जो इंसान के शरीर को खाता है मुतासर करता है इसमें बाकायदा तौर पर एक वाक्य भी है कि बाकायदा तौर पर इसमें मैंने ख़ुद पढ़ा ये वाक़ किताब के अंदर स्टडी मैंने ख़ुद जब मैं इसकी रिसर्च कर रहा था एरोपी के बारे में तो एक शख्स का जब इसका जिगर का इलाज हुआ उसका जिगर का एक हिस्सा काट दिया गया था और जब वो जिगर का हिस्सा काट दिया गया था उस मरीज़ को कोई दवा नहीं दी गई थी सिर्फ गुड़बच उसकी धुनी उसको दी गई थी और बकायदा तौर पे उससे ये कहा गया था कि उसके बाकायदा उसका तेल उसके जिसम पे लगाया गया उसकी स्टीम उसको दी गई उसके जिसम पे उस जगह पे जो लीवर का हिस्सा था उस पर लेप किया गया उसका पाउडर बनाकर लेप करके मलमल -मल के कपड़े से उसको लपेट दिया गया आई बस समझ में ये तरीका उसके मरीज़ के साथ एक से डेढ़ महीना इस तरीके से इलाज किया और उसका हैरत अंगेज़ नतज ये देखे कि जो जिगर का हिस्सा उसका काटा गया था डेढ़ महीने के बाद वो इस जिगर का हिस्सा आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते 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 अपनी पूरी असली हालत में आ गया ये बाकायदा तौर पर दुनिया ने प्रैक्टिकल की इसके ऊपर अब इसका ताल्लुक़ अब जैसे किसी शख्स की हार्ट वैंड ब्लॉक है अब डॉक्टर ने कह दिया भाई इनको इंजियोलास्ट्री होगी इनकी इंजियोग्राफी होगी आप इनको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ेगा अब वो पेशेंट जो एक इंतहाई दर्जे पे जा चुके हैं उनके लिए तो फिर वो कराना ही ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरी होगा लेकिन अगर जिसका इब्तदाई हो जिसकी एक वेंस ब्लॉक हो जिसके दो वेंस ब्लॉक्स हो उसको चाहिए कि अपने कमरे के अंदर इन खुशबुओं का कर इस्तेमाल करें उसकी खुशबू की वेंस खुल जाएगी कल्प की उसके दिल की जिस शख्स का ब्लड प्रेशर हाई रहता है वो अपने घर के अंदर अपने कमरों के अंदर खुशबुओं का कर इस्तेमाल करना शुरू कर दे आप देखें मैं भी यू ए गया था अभी जो मेरा रूहानी दौरा था तो माशा अलहमदिल्ला मेरे बुज़ुर्गों की नज़र से दुआओं से रूहानी दौरा बहुत कामयाब रहा और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अपने उन मरीज़ों का और अपने उन साथियों का कि जिन लोगों ने मेरी हर तरह से ख़दमत की मेरा ख़याल रखा हर चीज़ का कि जिसमें हमारे काफ़ी मेरे मुरीदीन भी शामिल हैं मैं उन तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ और माशाल्लाह मस्कत कोत यौरप यू यूके इंडिया यहाँ तक कि बांग्लादेश तक से लोग स्पेशली मुझसे मिलने के लिए आए थे जुई और मेरी दुआएं उन तमाम लोगों के लिए है कि जिन लोगों ने मुझसे मिलने के लिए सिलसिले की इजाज़त लेने के लिए सिलसिले का फैज़ लेने के लिए एक जगह से दूसरी जगह सफर करके हमारे और अपने बुजुर्गों की सुन्नत अदा की और मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह इस सुन्नत की बरकत से उनके तमाम मसाइल हल फरमाए और जिस मकसद के लिए भी जो लोग आए अल्लाह तबार तआला उसमें उनको कामयाबी अता फरमाए तो आरोमा थेरेपी अगर मैं इसको और मज़ीद बयान करूँ तो ये एक बहुत वसी चैप्टर हो जाता है तो इसमें गुलेयाज भी है चमेली भी है मुश्क भी है अंबर भी है लेकिन इस्टेप बाई इस्टेप बात करें क्योंकि टाइम बहुत तेज़ी से निकलता है और टाइम बहुत तेज़ी से निकलता है वक्त का पता नहीं लगता कि वक्त किस तरह गुज़र गया और कैसे गुजर गया अब हम लाइव कॉल ले लेते हैं जी असलम

आज समझ लें फिर इन ताला रमजान ट्रांसमिशन तो हमारी होगी और मैं अपने तमाम अपने हम सफ़र साथियों को और तमाम उन लोगों को जो लोग मेरे साथ इस रूहानी सफ़र में शामिल हैं उन तमाम को मैं एडवांस में रमज़ान की मुबारकबाद पेश करता हूँ और इन शाह तल हर साल की तरह इस साल भी हमारी कामयाब रमज़ान ट्रांसमिशन होगी और उसका जो हमने टाइम रखा है पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक रात दस बजे से ग्यारह बजे तक इसमें आप हमें लाइव कॉल कर सकेंगे और इन कामयाब रमज़ान में पिछले रमज़ान में जिन टॉपिक पे बात हो चुकी है अब उससे नए टॉपिक आपकी आपके लिए मैं इन शाह लेकर आऊँगा और उसमें मज़ीद मालूम के साथ साथ हर अमल के तरीक़ार उसकी इजाज़त और उसका मेथड भी आपको बताऊंगा। अब माह रमजान शुरू हो रहा है और मेरे वो लोग जो ताक हिलिंग के स्टूडेंट्स हैं वो लोग जो हिमत के नूर के स्टूडेंट्स हैं वो लोग जो मेरे साथ हम सफ़र शामिल हैं जो लोग बाकायदा परहेज़ कर रहे हैं सब कुछ कर रहे हैं तो उन तमाम लोगों के लिए एक मेरा मैसेज आम ये है कि वो अपना अपना जमाली परहेज़ खोल सकते हैं और सिर्फ़ और सिर्फ उन्होंने गाय के गोश का और मछली का परहेज़ करना है बाकी सब कुछ खाएं और सब कुछ पिएं क्योंकि रमज़ान की ये बरकत है कि अल्लाह तबार अपनी नेमतों को कुशादा कर देता है चाहे वो खाने की हो चाहे वो पहनने की हो चाहे वो तकसीम करने की हो तो मेरी तरफ़ से जो लोग सूर्य क्राइश का अमल कर रहे हैं जो लोग अपनी ख़ास पढ़ाइयाँ कर रहे हैं वो लोग अगर उनको आसानी हो तो वो सिर्फ़ और सिर्फ गाय के गोश का और मछली का मस्त परहेज़ करना है यानी कि लाजमी करना है बाकी दूध पिएँ दही पिएँ दड़े दही बड़े खाएँ और छोले फ्रूट चार, ड्राई फ्रूट सब कुछ इस्तेमाल करें मेरी तरफ़ से इजाज़त है बाकी अब अब सवाल ही पैदा होता है कि अब रमज़ान आ रहे हैं इस रमज़ान को हमने किस तरह करना चाहिए अगर कोई शख्स रमज़ान के अंदर मिसाल के तौर पर सुर कुरेश का अमल करना चाहता है तो रमज़ान की फ़र्स्ट तारीख़ से ग्यारह सौ ग्यारह बार शुरू कर सकता है अच्छा मेरे कुछ पीर भाइयों ने और मेरे कुछ लोगों ने सुरह मजमिल करना चाहा कि हम रमज़ान के अंदर सुरह मजम शरीफ पढ़ना चाहते तो हम किस तरह पढ़ेंगे तो जो लोग सुरह मजम्मिल का ख़त्म करना चाहते हैं सुरह मजम शरीफ का अमल करना चाहते हैं तो वो एक सौ सत्रह मरतबा नौ दिन पढ़ेंगे एक सौ सत्रह मरतबा सिर्फ़ और सिर्फ नौ दिन पढ़ेंगे इसकी नीयत होगी राय ला यानी कि अल्लाह के लिए अच्छा फिर नौ दिन तक एक सौ सत्रह मरतबा पढ़ेंगे हजूर करीम सल्लासम के लिए आपके कुर्ब आपकी मोहब्बत के लिए तीसरा नौ मरतबा जो पढ़ेंगे वो आप अपने लिए पढ़ेंगे जिस नीयत से पढ़ेंगे जिस मकसद के लिए पढ़ेंगे अगर रूहानियत में तरक्की कामयाबी के लिए पढ़ेंगे तो हर हाल में आप कामयाब होंगे और जब तीसरा हिस्सा होगा तो आपने किसी जानवर का सदका कर देना है आप किसी मुर्गे का कर दें मुर्गी का कर दें बकरे का कर दें गाय का कर दें ऊट का कर दें जिसका आप जो साब हैसियत हो है तो वो उस तरीके से उसकी कुर्बानी कर सकता है बाकी हर साल की तरह इस साल भी हर साल की तरह इस साल भी हमारा सिस्टम यानी शाज़िल इस्लामिक सेंटर आपके लिए इस दफ़ा लाया है नेकी विद शाज़िल इस्लामिक सेंटर कि जिसके अंदर आप अपनी नेकियों को शामिल कर सकते हैं अपने ही भाइयों के लिए अपनी ही बहनों के लिए अपने ही उन हम सफ़र साथियों के लिए जो आपके हम सफ़र हैं जो रूहानी सफ़र में साथ चल रहे हैं आप अपने आपकी एक छोटी सी नेकी किसी के लिए बहुत बड़ी खुशी बन सकती है आपकी एक छोटी सी नेकी चाहे वो दकी की सूरत में हो चाहे वो खैरात की सूरत में हो चाहे वो जकवात की सूरत में हो चाहे वो किसी की मदद करने की सूरत में हो चाहे वो किसी भी मद में हो वो एक छोटी सी नेकी आपके रोज़े भी कामयाब कर सकती है आपके रमज़ान भी कामयाब कर सकती है आपकी इबादतों को भी कामयाब और कबूल और मकबूल बार कर सकती है ज़रूरी नहीं कि हमारे हर अमाल मकबूल बारगाह हों लेकिन वो अमल जो किसी की मदद के लिए एक छोटी सी नेकी की सूरत में की जाए वो मकबूल बार का ज़रूर होती है क्यों क्योंकि तो अल्लाह तबार जब किसी के दवाओं को कबूल करने के लिए जब किसी की दवाएं कबूल करना चाहता है तो अल्लाह तबारा उसे सदक़े की हिदायत दे देता है यानी कि वो सदका करने लगता है वो खैरात करने लगता है अगर तुम अपने माल को महफूज करना चाहो अगर तुम चाहो कि तुम्हारा माल जलने से महफूज रहे तुम चाहो कि तुम्हारा कारोबार आज एक करोड़ का है, तो अगले माह दो करोड़ का हो जाए तो तुम अपने माल की ज़क़ात अदा कर दो इसमें कोई शक नहीं कि आने वाले साल में तुम दो करोड़ के मालिक बनो और इन्हीं को सही और मस्तकम लोगों तक पहुंचाने के लिए हमने ये सिलसिला शुरू किया है नेकी विद शाजली इस्लामिक सेंटर यानी डॉक्टर अब्दुलवादी शाजली के साथ अच्छा इसमें हमारा इंडिया का अकाउंट्स नंबर भी मेंशन है स्क्रीन पर आपके आ रहा होगा और इसके अलावा हमारा शाजली इस्लामिक सेंटर हमारा ऑफिशियली अकाउंट नंबर भी आ रहा होगा कि जिसमें आप लोग अपनी फ़ीस भी जमा करा दें और इसमें मोहम्मद वाजिद जो कि हमारे फैसल बैंक से है वो भी आपके सामने शो हो रहा होगा इसके अलावा जो लोग पेपाल यूज़ करना चाहें जो यूरोप में रहते हैं दूसरे ममालिक में रहते हैं वो पेपाल लिंक भी यूज़ कर सकते हैं और जो लोग अदर कंट्रीज़ के हों वो दूसरा बैंक अकाउंट्स भी यूज़ कर सकते हैं सारी डिटेल्स आपको दी दी जाएगी और इन शाह जो कुछ भी हम तकसीम करेंगे वो इन शाह एक वीडियो की सूरत में आप लोगों तक जाहिर होगी यानी कि आपकी छोटी सी नेकी किसी की बड़ी खुशी और वो ख़ुशी कि जिसका कोई मॉल नहीं है यानी आप करोड़ों रुपया ख़र्च कर दो आपको वो सुकून असर ना हो कि जो एक छोटी सी नेकी से आपको सुकून असर हो और जो लोग मेरे साथ हम सफ़र शामिल हैं मैं चाहता हूं कि वो तमाम लोग हमारे सिस्टम के साथ जुड़े हुए हैं तो इसमें अपने भाइयों के लिए कुछ न कुछ ज़रूर मदद करें कुछ ना कुछ ज़रूर मदद करें जो लोग आपके हम सफर साथी हैं जो पूरे साल आपके साथ कदम ब कदम चल रहे हैं जो इससे मुस्तक हैं आप उनकी मदद के लिए अपना कुछ हिस्सा ज़्यादा नहीं कुछ हिस्सा आप इसमें डाल दें ताकि इन मुस्क और आपके भाइयों के काम आ सकें क्युं? क्यों क्योंकि इसके सबसे ज़्यादा हक आपके करीबी साथियों का है तो इन शाह तला ये सिलसिला भी हमारा जारी रहेगा नेकी का और इसमें हम बढ़ चढ़ कर इस नेकी के काम में हिस्सा लेंगे और हम इस नेकी को आगे फैलाएंगे हम इस नेकी के दिए को रोशन करेंगे और इसकी रोशनी इस चिराग की रोशनी इस नेकी के चिराग की रोशनी आप हैं क्योंकि आप लोग जितना ज़्यादा जुड़ेंगे इसकी रोशनी इतनी फैलेगी और मैं चाहता हूं कि रोशनी दुनिया भर में फैले तो सफीना मसाइल में अच्छा ये चीज़ आप हमारी वेबसाइट पे भी ज्वाइन होकर इससे पूरी डिटेल्स ले सकते हैं कि आप नेकी किस तरह कर सकते हैं बाकायदा तौर पे आपको हमारी वेबसाइट के ऊपर सब कुछ समझा दिया जाएगा आपको बता दिया जाएगा जो लोग नेकी करना चाहें डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट डॉक्टर शाज़ली डॉट कॉम पर हमारा वर्टी एक ऑप्शन है उसमें आप 24 घंटे हमारे नुमाइंदे से बात कर सकते हो आप अपनी नेकी शेयर कर सकते हो लेकिन याद रखना कि हमारा सिर्फ और सिर्फ ऑफिशली बैंक अकाउंट जो है ना वो शाज़ली इस्लामिक सेंटर है इसके अलावा और कोई दूसरा हमारा शादी इस्लामिक सेंटर के अलावा और कोई दूसरा अकाउंट नंबर हमारा नहीं है और बाकी किसी और अकाउंट से हमारा ताल्लुक़ नहीं है बाकी तमाम जो लोग सलासिल के काम कर रहे हैं तमाम नेटवर्क जो इस माशरे में काम कर रहे हैं इन सब के अपने अलग अलग अपने ही सिस्टम के नंबर हैं शादी इस्लामी सेंटर सिर्फ व सिर्फ़ डॉक्टर अब्दुलवाजिद शादी साहब का है इनके सिस्टम का है इनके साथ चलने वालों का है तो मेरा सिस्टम मे मेरी नेकियां, आपकी नेकियां, मेरे साथ चलने वाले हम सफ़र साथियों के लिए तो मैं समझता हूँ कि इन ताला रमजान में आप लोग जिस तरह आप लोगों ने पिछले रमज़ान मेरी मदद की थी यानी कि आप लोग मेरे बाजू बने थे कि जिसके ज़रिए मैंने कई लोगों के घरों के चिरागों को रोशन किया तो अपने मसाइल उनके के लिए हमें कॉल भी कर सकते हैं जी असल मेरी बहन इस वक्त इस वक्त आप लाइव बात कर रही हैं है मुझसे तो अगर लाइव कुछ पूछना चाहती हैं तो ठीक है नहीं फिर आप लाइन डिसकनेक्ट कर दें और जो लोग लाइव कॉल करना चाहते हैं वो इस नंबर पर मुझे रब्ता कर सकते हैं मुझे कॉल कर सकते हैं ठीक है तो अब इन शाह हम अरोमा थेरापी के बारे में मजीद अब तो पूरा रमज़ान हमारा अपना है और रोज़ाना ट्रांसमिशन होगी हर शब्द एक नया टॉपिक आपके लिए होगा तो मैं कोशिश करूँगा थोड़े छोटे 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 से क्लिप्स जो ना मैं अरोमा थेरेपी के आप लोगों के लिए बनाता रहूँ और आप लोगों के लिए मैं लाता रहूँ तो सफीना नजातुलमसाइल में अब जो लोग रह गए टाइम हमारा बहुत तेज़ी से गुजर रहा है तो आप हमारी वेबसाइट पर डॉक्टर अब्दुलवाजि शादरी डॉट कॉम पर अपने मसाइल और उनके हल के लिए भी आप हमसे अपनी एप्लीकेशन डाल सकते हैं अच्छा हाँ एक मैं बात भूल ही गया आप लोगों को बताना वो लोग हैं जो हमारे साथ हमारे हम सफ़र साथी हों हमारे साथ पहले दिन से कदम ब कदम चल रहे हों और जो लोग मुस्तक हों जो लोग चाहते हों कि हम उनकी मदद करें चाहे राशन की सूरत में चाहे उनके किसी कैश की सूरत में या चाहे उनकी किसी भी में अगर कोई ज़रूरतमंद हो तो वो भी अपनी एप्लीकेशन हमको हमारे सिस्टम में डाल सकता है ताकि हम अपने साथ चलने वालों की भी मदद करें और इसमें एक बेहतरीन सिलसिला मैंने शुरू किया है लेकिन वो मैं आपको रमज़ान में खुशखी सुनाऊंगा कि वो सिस्टम क्या है

इससे मतलब बहुत फायदा हुआ है मतलब अपना जिस्मानी फायदा हमको पहुंच रहा है मतलब हम हिकमत का नूर जो हमारा सिलसिला चल रहा है कोर्स चल रहा है इससे आप लोग मुतमईन हैं जी जी बहुत बहुत जी हयात बहुत ठीक है माशाल्लाह इसका मतलब आ, अभी है अभी ये फेस आपके पूरे कंट्री में फैलेगा इंशाल्लाह हमारा जी जी हजरत और खास करके हिंदुस्तान के यहाँ के लोगों के लिए दुआ करना हज़रत हज़रत और और एक दो बात थी हम जिस इलाके से आते हैं यहां है और हम हैं कभी करती थी। चले दुण दुण चले चले अल्लाह बिल्कुल मेरी बहन अल्लाह आपका हामी और नासिर हो और अल्लाह हिफाजत करने वाला है आप बेशक मेरे सिस्टम से जुड़े रहें इन शाह तला तबर तला आपको बहुत जल्द कामयाब करेगा ठीक है चले आप अपना ख्याल रखें मेरी बहन और दूसरे लोगों को भी कॉल पे टाइम दें क्योंकि हम लाइव बात कर रहे हैं ठीक है जी 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 लाइव लाइव बात है हाँ ये लाइव बात हो रही है आपकी ठीक है नहीं जब तक फिर ओके 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 तो आप लोगों के साथ जब मैं जुड़ता हूँ तो मुझे वक्त का एहसास नहीं होता कि वक्त कब और कैसे गुजर जाता है तो अब हमारे अपनी ट्रांसमिशन का भी वक्त अपने अख्ताम को पहुंचता है तो एक बार फिर मैं आपको बताता चलूं कि जो जिन लोगों के मसाइल रह गए हों जिन लोगों से बात मैंने नहीं की हो तो वो हमारी वेबसाइट पर मुझसे रबता कर सकते हैं हमारी वेबसाइट डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट डॉक्टर अब्दुलवाजी शादी डॉट कॉम है और शाजी इस्लामिक सेंटर डॉट कॉ डॉट जू के एंड इसके अलावा और हमारे जो ऑफिशियली नंबर हैं वो आपके स्क्रीन पर हैं आप इस नंबर पे भी हमसे राबा कर सकते हैं तो मेरी तरफ़ से मेरे तमाम लोगों को एडवांस में मुबारक यानी कि रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो रमज़ान का चांद भी मुबारक हो इन ताला दिखने वाला है कुछ ही घंटे रह गए हैं कुछ ही दिन रह गए हैं समझ लें तो अब मुझे इजाज़त दीजिए इस बात पर कि आप अपना बहुत ख्याल रखेंगे السلام عليكم ورحمه الله وبركاته